बॉबी देओल ने किया सलमान खान के साथ धोखा। जी हाँ, ये धोखा रियल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में किया गया है। जी हाँ, फिल्म रेस 3 की बात करें तो फिल्म रेस 3 को 15 जून को रिलीज किया जाने वाला। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस बार बॉक्स ऑफिस पर तहाड़ लगाएगी। पहले दिन ही फिल्म को लगभग 50 से 60 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ओपनिंग मिल सकती है। वीकेंड ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती। वहीं पर इस फिल्म की कहानी में नया मोड़ आने वाला है। जी हाँ, इस फिल्म की कहानी इस दो फोटो से बयां होती है। जहाँ पर एक फोटो में जैकलीन सलमान खान के साथ नजर आती हैं, वहीं दूसरे तरफ जैकलीन बॉबी देओल के साथ भी नजर आ रही। तो फिल्म की कहानी आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी। जी हाँ, वही फिल्म की कहानी इस दोनों पोस्टर से मालूम हो रही है। जी हाँ, आप लोगों को रेस 1 और रेस 2 की याद आ जाएगी इस फिल्म को देखकर। फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से होने वाली है, जिस तरह पहले बॉबी देओल की गर्लफ्रेंड होंगी जैकलीन, उसके बाद सलमान खान को फंसाने के लिए सलमान खान को प्यार करती हैं, वहीं पर सलमान खान जैकलीन को गर्लफ्रेंड अपनी बना लेते। तो इस फिल्म में बॉबी देओल सलमान खान को धोखा देते नजर आएंगे, धोखे से जैकलीन के जरिए से सलमान खान को बर्बाद करते नजर आएंगे बॉबी देओल। इस फिल्म को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में।